इस आधुनिक विज्ञान के युग में ऐसे अनेक अंधविश्वासी लोग हैं जो भूत प्रेत अतिप्त आत्मा पर विश्वास करते हैं। इतना ही नहीं, आज भी ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं जो विश्वास करते हैं ब्रह्म दैत्य होता है और ब्रह्म दैत्य गुस्से में आकर किसी परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। एक युक्तिवादी, एक तर्कवादी, एक विज्ञानवादी के रूप में मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि किसी परिवार पर, किसी गांव में, किसी इलाके में भूत प्रेत अतिप आत्मा या ब्रह्म दैत्य की अफवाह फैली हुई है, तो हम युक्तिवादी, विज्ञानवादी, तर्कवादियों की चिंता बढ़ जाती है कि हम किस युग में बास कर रहे हैं। जब हम युक्तिवादी, तर्कवादी किसी गांव, देहात या किसी परिवार में यह आतंक फैलता हुआ देखते हैं कि उस परिवार पे, गांव में या इलाके में भूत प्रेत अतिप आत्मा की अफवाह फैली हुई है, तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा, इस विज्ञान के युग में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो विश्वास करते हैं ब्रह्म दैत्य होता है और ब्रह्म दैत्य गुस्से में आकर, नाराज होकर किसी परिवार को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। ब्रह्म दैत्य के आतंक से एक परिवार की रातों की नींद उड़ गई है। ऐसे ही घटना पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के कटवा के आखरा गांव की है। इस आखरा गांव में आचार्य परिवार पे ब्रह्म दैत्य का आतंक फैला हुआ है। आचार्य परिवार के लोगों का दावा है कि उसके परिवार पर ब्रह्म दैत्य का गुस्सा है और ब्रह्म दैत्य उसको नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। आचार्य परिवार का दावा है कि उसके आंगन में एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ को काटने की कोशिश की गई, इसके बाद ही ब्रह्म दैत्य का गुस्सा आचार्य परिवार पे पड़ा है। ब्रह्म दैत्य दिन दहाड़े घर में कभी टेबल फैन, कभी बाल्टी, कभी स्विच बोर्ड उठाकर पटक दे रहा है। कभी कभार परिवार के सदस्यों पर ईंट फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है और इसके कारण आचार्य परिवार आतंक में डूबा हुआ है और मदद की गुहार लगा रहा है। आचार्य परिवार का दावा है कि नीम का पेड़ काटने की कोशिश के बाद ही उस पे ब्रह्म दैत्य नाराज हो गए और ब्रह्म दैत्य उसके घर पे उत्पात मचा कर रखा हुआ है, घर में तोड़फोड़ कर रहा है या घर के सदस्यों पे ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं। सीधे शब्द में आचार्य परिवार का दावा है भूत प्रेत या ब्रह्म दैत्य उसके घर पे हमला कर रहा है। पूर्व बर्धमान के कटवा के आखरा गांव में आचार्य परिवार पे जो ब्रह्म दैत्य का आतंक फैला हुआ है उसकी न्यूज विभिन्न मीडिया में इस बीच दिखाई गई है। मीडिया में खबर आई है कि आचार्य परिवार पर एक ब्रह्म दैत्य का आतंक फैला हुआ है और दिन दहाड़े घर में आतंक का माहौल बना हुआ है। घर में कभी टेबल फैन टूट जा रहा है तो कभी बाल्टी कोई पटक दे रहा है या कभी कभार दीवार पर टंगी हुई देवी देवता की छवि अपने आप गिर के नीचे आ जा रही है तो कभी स्विच बोर्ड टूट जा रहा है। सीधे शब्द में आचार्य परिवार का दावा है कि एक ब्रह्म दैत्य उसके ऊपर नाराज है और वो ब्रह्म दैत्य परिवार पे जुल्म उठा रहा है, आतंक फैला रहा है। ब्रह्म दैत्य के इस आतंक से सिर्फ आचार्य परिवार नहीं, आखरा गांव में आतंक फैला हुआ है, अफवाह फैली हुई है। लोग दिन में भी डरे डरे रहते हैं, शाम ढलने के बाद पूरा गाँव आतंक में डूब जाता है, कहीं ब्रह्म दैत्य किसी परिवार पे, किसी लोग पे हमला ना कर दे। मीडिया में खबर आने के बाद ही विज्ञान और युक्तिवादी मंच के लोग आचार्य परिवार से मिले और समझाने की कोशिश की ब्रह्म दैत्य भूत प्रेत का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। वास्तव में आचार्य परिवार में जो कुछ हो रहा है
उसके पीछे किसी जीता जागता इंसान का हाथ है, या आचार परिवार के कोई सदस्य या उसके आस पड़ोस के कोई लोग इस तरह की घटना घटा रहा है और यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है या अफवाह फैला रहा है कि इसके पीछे कोई ब्रह्मदेव का हाथ है, भूत प्रेत का हाथ है। युक्तिवादी विज्ञानवादियों का दावा है कि भूत प्रेत अतिप्त आत्मा या ब्रह्मदेव का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मदेव एक कल्पना है, भूत प्रेत कल्पना है, लेकिन कुछ लोग भूत प्रेत अतिप्त आत्मा ब्रह्मदेव की अफवाह फैलाने के लिए इस तरह की घटना घटाता है और उसे ब्रह्मदेव भूत प्रेत का नाम देकर लोगों में आतंक फैलाता है, अफवाह फैलाता है। युक्तिवादी विज्ञानवादी लोगों का दावा है और चुनौती है, जो लोग आतंक फैला रहे भूत प्रेत के नाम पे, जो लोग अफवाह फैला रहे भूत प्रेत ब्रह्मदेव के नाम पे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही युक्तिवादी विज्ञानवादियों का चुनौती है कि वे अपनी जांच में यह पता लगा लिए हैं कि भूत प्रेत अतिप्त आत्मा ब्रह्मदेव का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई चमत्कार नहीं होता है, ना भूत प्रेत का हाथ होता है। अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे जीता जागता इंसान का हाथ होता है। हम तर्कवादी युक्तिवादी इस घटना के पीछे सच्चाई या वैज्ञानिक कारण का जरूर पता लगा कर देंगे और ये भी साबित कर देंगे कि भूत प्रेत नहीं होता है। अब युक्तिवादी विज्ञानवादियों की चुनौती है, अगर आचार्य परिवार जानबूझकर कोई अफवाह फैला रहा कि उसके परिवार पर कोई ब्रह्मदैत का आतंक है, भूत प्रेत का आतंक है, तो यह गलत है। आचार्य परिवार या उसके घर पे जो भी घटना घट रहा है, वह हम युक्तिवादी तर्कवादी जांच पड़ताल करके सच्चाई सामने ला सकते हैं। इसके लिए आचार्य परिवार को हम युक्तिवादियों के साथ सहयोग करना पड़ेगा, हमारे साथ सहयोग करना पड़ेगा जांच में। हम तर्कवादी युक्तिवादी जांच पड़ताल कर यह जरूर साबित कर देंगे भूत प्रेत अतिप्त आत्मा ब्रह्मदेव नहीं होता है। आचार्य परिवार के घर में जो कुछ घटना घट रही है उसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। अगर युक्तिवादी विज्ञानवादी यो की बात माने तो सच्चाई का पता लगाने के लिए आचार्य परिवार अपने घर में अपने आंगन में सीसीटीवी कैमरा लगा दे। सीसीटीवी कैमरा से यह साबित हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। ब्रह्मदेव नहीं है तो आपके घर में कौन तोड़फोड़ कर रहा है, कौन ईंट पत्थर फेंक रहा है, यह सच्चाई सीसीटीवी कैमरा में जरूर पकड़ में आ जाएगा। इसलिए आचार्य परिवार आखरा गाँव वालों से यह अपील है हम युक्तिवादी तर्कवादियों की कि सच्चाई का पता लगाने के लिए आचार्य परिवार के घर आंगन में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। इसके साथ ही युक्तिवादी विज्ञानवादी लोग आपके परिवार में आके सच्चाई का पता लगा देंगे। इतना ही नहीं, हम युक्तिवादी आपको चुनौती देते हैं, अगर आचार्य परिवार या आखरा गाँव के लोग यह साबित कर देंगे कि भूत प्रेत अतिप्त आत्मा या ब्रह्मदेव है तो भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह 50 लाख रुपए की चुनौती इसलिए दी गई है ताकि लोगों को यह समझ में आ जाए, अगर आप वाकई में भूत प्रेत अतिप्त आत्मा को साबित कर सकते हैं, ब्रह्मदैत्य के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं, तो हम युक्तिवादी समिति की ओर से आपको इनाम देंगे। इस चुनौती भरे इनाम के माध्यम से हम आपके गांव वालों को, आचार्य परिवार को यह संदेश देना चाहते हैं, चुनौती लीजिए और साबित करिए ब्रह्मदेव होता है। लेकिन हम युक्तिवादी तर्कवादी विज्ञानवादी ये भी चुनौती देंगे, अगर भूत प्रेत ब्रह्मदेव नहीं है तो इसकी अफवाह मत फैलाइए। अगर भूत प्रेत अतिप्त आत्मा या ब्रह्मदेव के नाम पे आप अगर आतंक फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, लोगों में आतंक का माहौल तैयार करेंगे, तो हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आतंक फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर आचार्य परिवार या आखरा गांव के लोग गांव में आतंक का माहौल फैलाना चाहते, भूत प्रेत अतिप्त आत्मा का आतंक फैलाना चाहते, अफवाह फैलाना चाहते, तो हम इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में जरूर शिकायत दर्ज करेंगे।
इसलिए गांव वाले से यह अपील है, आचार्य परिवार से अपील है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए विज्ञानवादी युक्तिवादी का सहारा लीजिए। जरूरत पड़े तो युक्तिवादी विज्ञानवादियों को आपके घर बुलाइए और सच्चाई का पता लगाइए, लेकिन आतंक मत फैलाइए कि आपके परिवार पे किसी ब्रह्मदैत का आतंक है। ब्रह्मदैत आपके परिवार से गुस्साया हुआ है। नीम का पेड़ काटने के कोशिश के बाद कोई ब्रह्मदैत आपसे गुस्साया हुआ है और आचार्य परिवार पे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। वास्तव में ब्रह्मदैत भूत प्रेत अतीत आत्मा नहीं होता है। इसलिए हम विज्ञानवादी युक्तिवादी या तार्किक व्यक्तियों का अपील है कि अंधविश्वास मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। भूत प्रेत अतीत आत्मा ब्रह्मदैत के नाम पे अंधविश्वास अफवाह मत फैलाइए। वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दीजिए, तार्किक चिंतन विचार को बढ़ावा दीजिए। आचार्य परिवार के घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जांच के लिए पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। जरूरत पड़े तो हम तर्कवादी विज्ञानवादियों की मदद लीजिए। हम सच्चाई का जरूर पता लगा देंगे और साबित कर देंगे भूत प्रेत या ब्रह्मदैत नहीं होता है। कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे इंसान का हाथ होता है, कोई अफवाह अंधविश्वास का नहीं। इसलिए अपील है, अनुरोध है, गुजारिश है, अफवाह मत फैलाइए, अंधविश्वास मत फैलाइए। विज्ञानवादी बनिए, तार्किक बनिए और शिक्षित बनिए। मूर्ख मत बनिए और मूर्खतापूर्ण कार्य मत करिए।